Hello everyone. Today we are back with a new question. This is very interesting problem. Calculate I1, I2 and V0. I1, I2 और V0 की वैल्यू हमें बतानी है. और ये क्या? आइडल ट्रांसफॉर्मर सर्किट. कैसे पता चला? इनके इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दे रखे हैं हम, तो क्या मान के चलेंगे इसको? आइडल ट्रांसफॉर्मर सर्किट. तो इसको फाइंड करने के लिए I1, I2, V0 मुझे चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस की हेल्प लूँगा. ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं इम्पिडेंस देखता हूँ तो मुझे क्या मिल दिखेगा, ZL. मैंने कह दिया इसको ZL1. ठीक है, ये हो गया ZL1. जब यहाँ से मैं देखूँगा तो मुझे दिखाई देगा पहला वाला रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस. मैंने इसको कह दिया ZR1. अगेन जब यहाँ ZR1 आ जाएगा, ZR1 पहला 60, उन दोनों ये दोनों कॉम्बिनेशन पहले लगेगा उसके साथ 14 सीरीज में. देन यहाँ से अगेन मैं ZL2 देखूँगा और ये कहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा, ZR2. ठीक है, तो ZL1 कितना हो जाएगा, ZL1 जो हमारा दे रखा कितना हो गया, ZL1 जो हो गया वो हो गया 160 ओम. ठीक है, और कुछ है नहीं इधर. तो ZR1 कितना हो जाएगा, ZR1 वो होता है N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू ZL1. तो N1 आ गया हमारा 3, N2 आ गया 4, यानी 3/4 का स्क्वायर इंटू 160. तो ये आएगा नीचे 16 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, 10 की 9 से की तो 90 ओम. ठीक है, यहाँ पे जो इम्पिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो कितना होगा, 90 ओम का. अब मुझे ZL2 निकालना है, तभी मैं ZR2 निकाल पाऊँगा. तो ZL2 क्या होगा, ZR1 पैरेलल 60 ओम, देन सीरीज में उनका 14 ओम. तो ZL2 जो होगा वो कितना होगा, 14 ZR1. ठीक है, तो 14 प्लस ये आ गया 16, R1 की वैल्यू में लगा रहा हूँ, 60 प्लस 90. तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे. यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो वो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं सोल्व कर सकते हैं. चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ. ये हो जाएगा कितना, 60 × 90 / 150. तो ये इतना, इससे कितनी बार कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, 15 से ये कितना, 4 टाइम्स कैंसिल. तो ये हो जाएगा 4 × 9 36 + 14 50 हो जाएगा. ZL2 हो गया हमारा 50 ओम. ठीक है, ये यहाँ से मुझे 50 ओम दिख रहा होगा पूरे यहाँ तक का. ठीक है, अब मुझे ZR2 यानी यहाँ से पूरा जो आगे तक का जितना भी इम्पिडेंस दिखाई देगा वो कितना हो जाएगा, ZR2 यानी N1 / N2, N1 1/5 उनका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या था. ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 1/25 यानी 2 ओम. ये आ गया 2 ओम. अब यहाँ पे देखो, ये वाला 2 और ZR2 ये सीरीज में. ठीक है, I1 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन दिस वाला इम्पिडेंस प्लस ZR2. तो I1 कितना आ गया, 24 2 प्लस ZR2. तो ZR2 है 2, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 ये हो जाएगा 4 यानी 6 एम्पियर. ठीक है, अगर मैं इसको 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 ऐसे लिख लिया, ये कितना आ गया, 6 एम्पियर. ये तो हो गई I1 की बात. अब मुझे क्या चाहिए, V0. ठीक है, I2 तो जब ही निकलेगा जब इस वाले में करंट पता होगी. तो पहले V0 पता करता हूँ, देन इसमें करंट भी पता करता हूँ. मैंने मान लिया इसमें जो करंट है वो इस टाइप से, मैंने कह दिया उसको I कह दिया. ठीक है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है. तो पहले V0 निकालता हूँ मैं. V0 कैसे निकलेगा, मैंने मान लिया यहाँ का वोल्टेज है, मैंने कह दिया इसको V1, है ना. तो V1 कितना हो जाएगा, I1 मुझे पता, तो 24 - 2 I1. तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 जो होगा 24 - 2 I1. 24 - 2 I1 कितना, 6. ये कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट. ये आ गया V1. V0 निकालना हमें. तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर सर्किट है सेकेंडरी का रेशियो अपॉन प्राइमरी का, यानी V0 / V1 इक्व टू
एन टू अपॉन एन वन, यानी एन टू कितना यहाँ पे कितना 5/1। अब ये प्लस हो गया ये नेगेटिव, अभी देखते हैं इसका साइन। यहाँ पे ध्यान से देखो V1 क्या है पॉजिटिव और V नॉट क्या है नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है तो साइन क्या आता है माइनस, और दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते हैं तो आता है प्लस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या आएगा माइनस। V नॉट की वैल्यू निकालनी है हमें, V1 आ चुका तो कितना आ जाएगा -5 × 12 यानी -60 वोल्ट। तो V नॉट की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई वो निकाल लेता हूँ। तो आई कितनी होगी, आई अपॉन आई वन जो होगी, तो ये सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का रेशियो यानी एन क्या होगा एन वन अपॉन एन टू यानी 1/5। अब देखना होगा वो प्लस है या माइनस, अभी देखते हैं दोबारा चेक करके। यहाँ पे देखो आई वन करंट एंटर कर रही है, आई वन एंटर कर रही है डॉट में, और आई टू ऐसे करके फ्लो हो रही थी ऐसे ये भी एंटर की। जब दोनों करंट एंटर करती हैं या लीव करती हैं तो आता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो किसकी वैल्यू, आई वन आ चुका है हमारा, आई वन की वैल्यू थी 6, तो 6 यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई -6/5 यानी -1.2 एम्पियर आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से मैं लगाता हूँ क्या पे, मुझे जब तक इस वाले में करंट पता नहीं होगी तब तक मैं नहीं निकाल सकता। मैंने इसको कह दिया आई डैश। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना क्या क्या, ध्यान से देखना यहाँ पे इस वाले में मुझे वी नोट भी आ चुका है, इस वाले में करंट आ चुकी है। मैं मानता हूँ इस यहाँ का जो वोल्टेज है मैंने कह दिया वी है ना, तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी नोट माइनस वी का से 14 आई है ना, तो वी नोट माइनस वी की जो वैल्यू होगी वो 14 आई के बराबर होगी। यहाँ वी नोट की वैल्यू आई है -60 माइनस वी कस टू 14 आई की वैल्यू आई है -1.2। तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा यहाँ से वी की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी, वो ये आ जाएगी वी की वैल्यू -43.2 वोल्ट। वी नोट की इस वी की वैल्यू आ गई। अब वी की वैल्यू आ ही चुकी है तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आई अब निकालना हमें आई डैश। यहाँ पे देखो ये आई आ रही है, मैं इस वाले में मैंने मान लिया करंट जा रही है। ठीक है, और ये आई डैश जा रही है, तो आई और ये वाली आई करंट आ रही है, इन दोनों में करंट जा रही है, तो आई कस टू यानी आई कितनी आई है -1.2 वी अपॉन 60+ I-। ठीक है, मैंने KCL लगा दिया तो हमें वी के यहाँ से वी की वैल्यू पता कितनी है -43.2/60+ I-। तो आई डैश को यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो वह आएगा आई डैश की वैल्यू सोल्व होकर आएगी -0.48 एम्पियर। ठीक है, अब देखो मुझे इस वाले में करंट आ चुकी है, इस वाले इसमें कोयल में, तो अब क्या करूँगा, मुझे पता अगेन सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का रेशियो अपॉन n1 = n1/n2 होता है, यानी I2/I- जो होगा वो क्या होगा n1/n2 यानी 3/4। यहाँ पे क्या 3/4, अब देखना होगा वो प्लस है या माइनस है, देखते हैं दोबारा से पोलिटी वाला चेक करके। आई डैश लीव कर रही है, ठीक है, एस करके आकर लीव करेगी, आई टू एस करके आ रही होगी ये भी लीव करेगी। जब दोनों एंटर करती हैं या लीव करती है तो आता है नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ से बस निकाल लो आई टू कितना आ गया -3/4, आई डैश की वैल्यू आई है -0.48। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से ये 0.12 का टाइम्स कैंसिल, और 0.12 की 3 करेंगे तो वो आएगा 0.36 यानी इतने एम्पियर। तो आई टू की वैल्यू आ गई, ठीक है, आई टू की वैल्यू आ गई, और वी नोट की हमसे पूछी थी ये 60 वोल्ट आ गई, और आई वन की वैल्यू अब पूछी थी जो आई हमारी कितना 6 एम्पियर। ठीक है, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट लगाना और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सारी बातें बताई हुई हैं कि कब पॉजिटिव लेते हैं, किसको नेगेटिव लेना है, ठीक है, सारी कंडीशन के साथ। आप अगर पूरी प्लेलिस्ट में आके ये मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट की पूरी वीडियो देखें शुरू से तो सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगा लेना सारे लगते चले आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।